दोस्तों आज के इस भागदौड़ वाली जिंदगी में स्ट्रेस या फिर तनाव मानो एक हमारा रूटीन के साथ जुड़ गया है, या फिर ऐसा लगता है कि स्ट्रेस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा जैसा बन गया है। और ऐसा लगता है कि अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारी लाइफ ऐसे ही कंप्लीट नहीं होगी। तो इस तरह से हमने हमारा जीवन बना दिया है कि स्ट्रेस के बिना हमारी लाइफ हो ही नहीं सकती, इस तरह से आजकल लोग जी रहे हो। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, सारे लोग स्ट्रेस से परेशान हैं, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, सब लोगों को स्ट्रेस से परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि हमने दूसरे से तो कनेक्ट हो गए या फिर दूसरे से तो अच्छा कनेक्शन बना लिया, लेकिन अब हालत ये हो गई कि हमारा खुद से जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट हो गया है। तो मेरी इस वीडियो के जरिए बनाने की यही इच्छा है कि आप खुद से जुड़े हुए रहो, आप खुद से फिर से कनेक्ट हो जाओ और अपनी हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करो। तो दोस्तों लगातार गलत विचार, नेगेटिविटी और स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर के ऊपर, मन की वजह से बहुत ही गलत प्रभाव होता है और उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है। तो एक इंग्लिश में कहावत भी है, आप शायद आपने सुनी होगी कि इफ़ यू कांट हैंडल स्ट्रेस देन यू कैन नॉट हैंडल सक्सेस। मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते, यहाँ से आप कंट्रोल नहीं हो अपने दिमाग से, तो आप अपनी सक्सेस को भी इंजॉय नहीं कर सकते या फिर उसको भी आप कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो इससे समझ में आता है कि आज के ज़माने में हम स्ट्रेस को कॉप अप नहीं कर पाते या फिर स्ट्रेस से हम डील नहीं कर पाते और उसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। यानी कि स्ट्रेस की वजह से बार बार गुस्सा आना या फिर किसी के ऊपर चिढ़ जाना, किसी से बात ना करना, झगड़ा करना, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, ये सारे स्ट्रेस के प्रकार है। अगर उस तरह से आपको बार बार हो रहा है, दैट मीन आपके अंदर आपके मन के रिलेटेड कुछ इश्यू हो रहे हैं। यानी कि साइंस भी ये बताता है कि 90% जो बीमारी है साइकोसोमेटिक है, यानी कि आपके अंदर जो बीमारी पड़ रही है या फिर बॉडी के अंदर जो भी विकार हो रहे हैं वो 90% से ज़्यादा जो है वो हमारे मन की स्थिति से उत्पन्न होने वाले विकार है। अगर हम उसको हैंडल करेंगे तो आप 90% जो बीमारी है वो आप धीरे धीरे अपने शरीर से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इतना बोलने के बाद या फिर इतनी लेक्चरबाजी के बाद अब सवाल यहीं पर आकर उठता है कि स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करें, स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो मेरे पास एक सीधा साधा सॉल्यूशन है और जो कि हजारों सालों से ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। तो मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है आज के ज़माने का या फिर इस सदी का कि जहाँ पर आप मेडिटेशन करके डेफिनेटली अपने मन को और शरीर को दोनों को और तंदुरुस्त बना सकते। तो जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन का नाम सुन के ही आपके दिमाग की घंटी बजी होगी कि यार मेडिटेशन हमारे काम की चीज नहीं है या मेडिटेशन हम नहीं कर सकते। और बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं ऑलरेडी हमारे मन के अंदर रहती है कि मेडिटेशन हमारे लिए नहीं है या फिर मेडिटेशन साधु संत कर सकते हैं या फिर ध्यान को हमें जंगल में जाकर करना है, ये सारी चीज़ें जो पहले थी अब ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान को साइंटिफिकली करेंगे तो डेफिनेटली आपको अंदर फ़ायदा भी होगा और वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं जितना हमको बताया गया है। क्योंकि आज के जो एक भागदौड़ वाली जिंदगी है उसके अंदर अगर आप ध्यान करेंगे तो 100% यानी कि 101% उसको आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है या फिर ऐसी जड़ी बूटी है जहाँ पर आप उसका यूज़ करके अपनी हेल्थ को, अपने मन को, अपने दिमाग को बहुत ही अच्छी एक अलग ऊंचाई तक पहुँचा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप या फिर आपके फैमिली में या फिर आपका बच्चा या फिर आपकी बेटी कोई भी बार बार गुस्सा हो रहे हैं या फिर आपको लगता है कि वो ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं या फिर उनका जो स्ट्रेस लेवल है और कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनको आप 10 से 15 मिनट रोज़ ध्यान करवाइए, देखना है आप थोड़े दिन में उनको फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका बेटा कोई स्टूडेंट है और उनको और ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप ध्यान कराओ, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और थोड़े दिन में उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा देना स्टार्ट कर देगा। यहाँ तक मैं कहूँगा कि मेडिटेशन से केवल आपके मन की नहीं शारीरिक बीमारी भी धीरे धीरे दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे आपके चांसेस है। तो मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि आपने शायद नाम सुना ही होगा श्री गोयनका जी, जो कि विपश्यना मेडिटेशन के स्थापक है या फिर वहाँ उनकी वजह से आज दुनिया भर में विपश्यना मेडिटेशन मशहूर हुआ है। तो उनकी जो ध्यान में आने की जो मेन वजह थी उनका माइग्रेन था, यानी कि उनको बार बार माइग्रेन की प्रॉब्लम शिकायत रहती थी। तो उनके गुरु ने सजेस्ट किया उनको ध्यान करने के बाद धीरे धीरे जो माइग्रेन की शिकायत थी वो दूर हो गई और उनकी वजह से क्या हो रहा है आज पूरी दुनिया भर में उनके अलग अलग सेंटर है और लाखों करोड़ लोग उनकी ध्यान की जो विधि है वो करके अच्छी तरह से बेनिफिट पा रहे हैं। अगर ध्यान आप बराबर करेंगे या फिर सोच समझ के करेंगे और डेफिनेटली एक विश्वास के साथ करेंगे तो 100% आपको
उसके रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मन के रिलेटेड हो या फिर शरीर के रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, आप ध्यान कीजिए, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान की विधि बहुत ही सरल है। तो दोस्तों मेरा ये पक्का यकीन है और इस वीडियो को देखने के बाद, इस ध्यान की जो मेरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पक्का यकीन आ जाएगा ध्यान के अंदर, और आप डेफिनेटली उसको अपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिस में ला पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर डी और आज हम जानेंगे कि ध्यान की विधि यानी कि ध्यान को किस तरह से किया जा सकता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ध्यान कौन कर सकता है, औरत हो, आदमी हो, वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, कोई भी जाति धर्म का हो, सारे लोग यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान कोई एक पर्टिकुलर धर्म का नहीं है, ध्यान जो है हमारी सांसों के रिलेटेड है, और जो भी जीवित आदमी है, जीवित मनुष्य है, वो सारे लोग ब्रीदिंग करते हैं। तो जो भी ब्रीदिंग कर सकते हैं वो सारे लोग ध्यान कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ध्यान को कहाँ पर करें, तो ध्यान आप अपने घर पर कर सकते हैं, ध्यान आप पार्क के अंदर कर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे कर सकते हैं, या अपनी बेंच के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठकर कर सकते हैं, या फिर कोई भी शांत जगह है जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, स्वच्छ जगह है, वहाँ पर बैठकर आप आराम से ध्यान कर सकते हैं। फिर तीसरा सवाल आता है कि ध्यान कितनी देर करना चाहिए। अगर आप नए नए हो और आपको ध्यान करने में इंटरेस्ट है लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे करें, और अगर सडनली आप एक घंटा बैठ गए तो आपको कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या है कि पहले 2-3 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, इस तरह से ध्यान की अवधि को बढ़ाते जाओ। और फिर जैसे 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 आपको पता चलेगा कि ध्यान के अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या क्या आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या आपके जीवन में लाभ हो रहे हैं, तो जैसे जैसे आपको पता चलेगा आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका ध्यान का टाइम भी बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पर आप 2 मिनट करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगी, अगर आप 2 घंटे भी करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा, या फिर 2 दिन करेंगे उससे भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या फिर 10 दिन करते हैं, 1 महीना करते हैं, आपको ध्यान के जो लाभ है वो आपको और ज़्यादा मिलते जाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ध्यान को किस तरह से साइंटिफिकली किया जा सकता है, ध्यान के क्या क्या स्टेप है, ध्यान को आपको किस पोजीशन में बैठकर करना है, कहां पर करना है, वो सारी बातें आप अगले वीडियो में देखेंगे। ध्यान या मेडिटेशन सतत चिंतन की एक कला है। ध्यान में मुख्य रूप से 3 बातों का समावेश है, बाहरी वस्तुओं और आंतरिक अवस्था से अनभिज्ञ हो जाना, उस वस्तु के प्रति निरंतर जागरूकता जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और दूसरे मानसिक परिवर्तनों पर सहज रोक या उनसे प्रभावित ना होना। ध्यान आपको शांति और आंतरिक सद्भाव खोजने में मदद करता है। सबसे पहले आप पद्मासन में बैठ जाएं, जो कि एक ध्यानात्मक आसन है। पद्मासन के अलावा ध्यान दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे सुखासन या वज्रासन में भी किया जा सकता है। जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड आरामदायक स्थिति में सीधा हो, भुजाएं और कंधे ढीले हों, सर हल्का सा ऊंचा और आंखें बंद हों। अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। अब अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए सुनिश्चित करें कि आपकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हों। अब अपनी बाई हथेली को अपने पेट के पास लाते हुए अपनी बाईं टांग पर रखें और अपनी दाईं हथेली को अपनी बाईं हथेली के ऊपर रखें। ये ध्यान मुद्रा है। सुनिश्चित करें कि आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त और आरामदायक स्थिति में हो। सर से पैर तक अपने शरीर के प्रति जागरूकता बनाएं। ये आपका ध्यान बाहरी वस्तुओं और विकृति से दूर करेगा और अंदर की ओर आकर्षित करेगा। अब आप सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की ओर जागरूकता बनाएं। अपनी सांसें गहरी और धीमी रखें। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक कि आपकी सांसें कम ना हो जाएं। बिना किसी वस्तु पे अपना विशेष ध्यान केंद्रित किए सिर्फ अपने भौहों यानी आईब्रोज पर हल्का सा ध्यान दें और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। अब अपना मन अपने विचारों की तरफ ले जाएं
और पवित्र और निर्मल विचारों के साथ रहने का प्रयास करें। जैसे ही आप ध्यान में लीन हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा और आपकी मानसिक गतिविधि कम हो जाएगी और आपके विचार खत्म हो जाएंगे। आप पूरी तरह से चिंता और तनाव से मुक्त होकर आराम महसूस करेंगे। ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, इसलिए इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए जितने समय तक संभव हो उतने समय तक बैठे रहें। ध्यान आपके शरीर और मस्तिष्क को नवजीवन प्रदान करता है, आपकी एकाग्रता बढ़ाने और व्यवहार में सुधार लाने में मदद करता है। ध्यान आपको नकारात्मक विचारों से दूर रखता है। ये क्रोध, भय, अवसाद और चिंता को दूर कर सकारात्मक विचार और भावनाएं विकसित करने में मदद करता है। ध्यान आपकी स्मृति, आपके मनोबल और विचारों की स्पष्टता बढ़ाता है। ये आपको अधिक सकारात्मक और उत्पादक बनने में मदद करता है। ध्यान आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। नियमित रूप से अभ्यास करने पर ध्यान आपका मस्तिष्क शांत और निश्चल रखता है और आपको आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है, जो योग अभ्यास का लक्ष्य है। तो दोस्तों, देखा आपने कि ध्यान को किस तरह से किया जा सकता है, ध्यान करने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, ध्यान कब करना चाहिए, ध्यान किस तरह से करना चाहिए, वो सारी बातें आपने आगे वाले वीडियो में देखी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, क्योंकि ये हमारी योग जो नई सीरीज चालू है, योग सीरीज, उसके अंदर ये ध्यान का जो आसन है वो 19वें नंबर पे हमने रखा है। ये बहुत ही अच्छा है आपके मन को और विकसित करने के लिए। तो डेफिनेटली आप ये प्रैक्टिस कीजिए अपने घर के अंदर और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सारे लोगों को ये शेयर कीजिए। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।